जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube मोनेटाइजेशन के अंदर येलो डॉलर के विषय में। दोस्तों, जब भी आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करते हैं यानी उन पर एड्स लगाते हैं तो ग्रीन डॉलर आता है, लेकिन कई वीडियोस पर आपने नोटिस किया होगा कि येलो डॉलर आपको दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये येलो डॉलर का मतलब क्या होता है, येलो डॉलर आपके वीडियो पर क्यों आता है और इससे आपके चैनल पर क्या फर्क पड़ता है, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब भी ये वीडियो आपको देखनी चाहिए, जिससे कि वो गलतियां आप ना करें जिससे कि आपके चैनल पर येलो डॉलर आए तो आप इससे बच सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि येलो डॉलर का सिंपल से वर्ड्स में हम इसको समझें तो इसका सीधा सा मतलब होता है नो मोनेटाइजेशन, यानी कि जिस भी वीडियो पर वो येलो डॉलर है उस पर मोनेटाइजेशन ऑन तो आप कर देंगे, लेकिन YouTube की तरफ से उस पर मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी एड्स उस पर नहीं लगाए जाते हैं और आप फिर उससे कोई भी पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि येलो डॉलर का सीधा सा मतलब YouTube की नज़र में ये है कि वो वीडियो एड्स के लिए सूटेबल नहीं है, वो जो वीडियो है वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं है, यानी कि जो भी एडवर्टाइजर अपने एड्स लगवाते हैं उनके हिसाब से उस वीडियो पर एड नहीं लगाया जा सकता, जिसके चलते YouTube उस पर येलो डॉलर शो करता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उस वीडियो से कोई भी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये येलो डॉलर क्यों लगाया जाता है, ऐसी क्या गलती उस वीडियो में करी होती है जिसके चलते इस येलो डॉलर को वहां पर दिखाया जाता है। तो इसको आप एक उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए मेरी कोई कंपनी है, कोई मेरी एक कंपनी है जिसका नाम ABC है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कराना है किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जहां बहुत सारे लोग जुड़े हों, जैसे फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है। तो मैं वहां पर अपने जो कंपनी है उसके एड्स को लगवाना चाहता हूं, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूंगा और मैं कहूंगा कि मेरी जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट है वो आप ऐसे कंटेंट पर करिए, ऐसे वीडियोस पर करिए जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हों, जो किसी न किसी तरह से लोगों की हेल्प करे, इंटरटेनमेंट में, नॉलेज में, एजुकेशन में, किसी भी तरीके से लोगों के लिए वो मददगार हो, लोगों के लिए हेल्पफुल हो, ऐसी वीडियोस पर आप मेरे एड्स लगाएं, ना कि ऐसे वीडियोस पर जो कि किसी भी तरीके से जनता के अंदर कोई गलत प्रभाव डाल रही हो, जैसे कोई गन चला रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कि कोई किसी को कुछ गाली दे रहा है, गलत बोल रहा है, ऐसे वीडियोस पर मेरे एड्स को ना लगाया जाए। इससे होगा ये कि जो कंपनी है, जो कंपनी का नाम है जिसका एड आ रहा है, उसकी भी छवि यहाँ पर खराब होती है। तो इस चीज से बचने के लिए YouTube ने कुछ रूल्स बनाए, कुछ पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स को लिया गया, टॉपिक्स को लिया गया कि अगर उन टॉपिक्स पर कोई भी व्यक्ति वीडियो बनाएगा तो उसकी वीडियो को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली टॉपिक नहीं है। इनमें आपके वॉयलेंस वाली वीडियो जहाँ पर मार धाड़ दिखाई जाती है, जहाँ पर चाकू छुरी चलते हैं, इसमें आपकी हेट स्पीच और इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाली वीडियोज, यानी कि कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी के व्यक्ति गलत बोल रहा है, ऐसे वीडियोस, इनमें आपके जो इनलीगल आइटम्स होते हैं जैसे गन हो गया, बंदूक हो गई, इसके अलावा आपके ड्रग्स हो गया, आपके नशीले पदार्थ हो गए, ऐसे वीडियोस पर आप वीडियो बनाते हैं वो भी इसके अंदर आता है। इसके अलावा इसमें एडल्ट कंटेंट, यानी कि अगर आप सेक्सुअल कंटेंट दिखाते हैं तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन पर अगर आप अपनी वीडियो बनाते हैं, इनसे रिलेटेड कोई थंबनेल लगाते हैं, इनसे रिलेटेड कोई टाइटल लगाते हैं, तो आपकी वीडियो पर आपको येलो डॉलर जरूर दिखेगा और जिसके चलते आप उससे कोई भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आप भी येलो डॉलर से बचना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर आप कोई भी वीडियो ना बनाएं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस येलो डॉलर का और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।